एक डिमांड तो नहीं है, एक ही डिमांड है, जम्मू कश्मीर की आवाम आप चाहती है कि अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि ये काफी दफा यहाँ आए, काफी दफा हम उनसे मिले, हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइजर और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए हमें इन्होंने भी इतना दिया है कि इस दफा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। हमने इनसे काफी मामला पे बातचीत की, एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है जिस हिसाब से हमारी जाति कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तो उनके जो फैसले जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो, अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला थे जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल किया क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए। वी हैव ऑलवेज बीन होपफुल एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपफुल। इलेक्शन कमीशन हैज अश्योर्ड अस दैट दिस विल नाउ बी कंप्लीटेड बिकॉज दे सेड देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे हैड टू कंप्लीट व्हिच दे आर नाउ टोटली इन प्लेस। दे सेड बाय नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर 23 those reservation issues were complete, the other things had to be done on the election commission basis, they have been completed and now I don't see any reason for not conducting that. उम्मीद तो है जैसा आज लगा जो इनके चीफ देखे, ये तो कोई हम भीख मांगने तो गए नहीं, हम लोगों का जो जमहूरी हक पिछले 10 वर्षों से छीना गया है, उनका जो वोट देने का हक था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का हक था, वो जमहूरी हक 10 वर्षों से खत्म किया गया। हम जब पिछले बार पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की टीम आई तब भी हमने यही बात की है कि इलेक्शन करवा दीजिए, अगर आप पार्लियामेंट करना चाहते हैं उसके साथ साथ आप असेंबली इलेक्शन भी कर लीजिए। उस वक्त उन्होंने बात सुनी लेकिन पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। आज हम फिर मिले, हमने यही बात की है, लोगों की बात सामने रखी है कि आप जल्द से जल्द लोगों का वो जमहूरी हक वापस कर दीजिए। उन्होंने बात सुनी है, बात का जवाब भी दिया है, और कुछ पोलिंग बूथ को लेके कुछ इश्यूज थे वो हमने रखे हैं, बात तो उन्होंने सुनी, जवाब भी दिया है, अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन पे कुछ डिस्कशन हुआ क्योंकि जम्मू में भी जिस तरह का माहौल है उस पर कंसर्न उठाए जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शन सिक्योरिटी क्या, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको 70% पोलिंग हुई तो क्या सिक्योरिटी इशू क्या है उसके लिए? आप तो कहते हैं नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, हमने बहुत कुछ किया है, तो अब असेंबली इलेक्शन के लिए ये सब बहाने क्यों है? इलेक्शन हो जाना चाहिए, उसके लिए माहौल सही है, हमने कहा है लोगों का जमहूरी हक। जब यहाँ 96 में मिलिटेंसी थी उतने सारे लोग उस टाइम शहीद हो गए, उतने सारे लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए, और आज तो उसके बारे में से कहते हैं आर्टिकल 370 के बाद सब कुछ नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो असेंबली इलेक्शन करने में क्या दिक्कत है? हो जाने चाहिए, लोगों का जमहूरी हक है, वो जमहूरी हक वापस देना चाहिए ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनसे अपने काम अपने